नमस्कार और स्वागत है आप सभी का यावी की आज की एक ऑन न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस जर्मन हैचबैक के बारे में जो कि जानी जाती है अपनी दमदार बिल्डअप क्वालिटी और परफॉर्मेंस के लिए। तो वॉक्सवैगन पोलो जो कि आती है आपकी 1000 cc के पेट्रोल इंजन के साथ और टॉप वेरियंट में आपको ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स भी इस गाड़ी में प्रोवाइड होगा और ऑटोमेटिक में आपको टॉक कन्वर्टर गेयरबॉक्स मिलता है। जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ये सब कंफर्ट लाइन वेरिएंट है जिसमें आपको 1000 cc का MPI पेट्रोल इंजन मिलता है। इस गाड़ी में आपको कोई भी आप डीजल इंजन ऑप्शन नहीं मिलेगा। इवन आप वॉक्सवैगन की कोई भी गाड़ी ले लीजिए उसमें आपको डीजल इंजन ऑप्शन नहीं मिलता है। इस गाड़ी में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। बेस वेरिएंट में आपको ट्रेडलाइन मिलेगा, फिर एक कंफर्ट लाइन आता है, फिर इसमें आपको हाईलाइन वेरिएंट मिलेगा, फिर हाईलाइन में आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट मिलता है, फिर आपको GT वेरिएंट मिलेगा। कलर ऑप्शन की यहाँ पे हम बात करें तो कलर आप जो देख रहे हैं इसका कैंडी व्हाइट कलर है। टोटल यहाँ पे आपको 7 कलर ऑप्शन इस गाड़ी में मिलते हैं और ड्यूल टोन कलर ऑप्शन आपको इस कार में प्रोवाइड नहीं होता है। पर आप एक्सेसरीज में जाके इसे रूफ ब्लैक हो जाती है, ORV ब्लैक करवा सकते हैं और साइड में TSI की जो स्टिकरिंग होती है वो लगा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे लुक्स मिल जाएगी उनकी वजह से। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और ये गाड़ी अपने सेगमेंट में कम्पीट करती कुछ और प्रीमियम हैचबैक को जैसे हुंडई की i20, टाटा अल्ट्रोस और मारुति सुजुकी बलिनो जैसी गाड़ियों को। अगर मैं इस कार की प्राइसिंग की बात करूं तो इस कार का एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 6,01,000 रुपीज़ से और टॉप मॉडल की मिल जाती है ऑल द वे 9,93,000 रुपीज़। और इस वीडियो को बनाने के लिए हम आ रखे हैं उत्तराखंड हल्द्वानी के वॉक्सवैगन शोरूम में। सो अगर आपको ये गाड़ी देखनी है, परचेज करनी है, फिर यहाँ की कोई और गाड़ी देखनी है, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। तो शोरूम की मैंने सारी कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप जाके इन्हें कॉन्टैक्ट करिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिल जाएगी। और वीडियो आगे शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हम बहुत ज़्यादा क्लोज है अपने 100K सब्सक्राइबर के, सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप पहले देख सकें। और अगर आपको इस गाड़ी की म्यूजिक क्वालिटी जाननी, कैसी है इस गाड़ी की ऑडियो क्वालिटी, सो इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और स्क्रीन में भी आ रहा होगा, सो मेक श्योर कि आप हमें वहाँ भी फॉलो जरूर करें। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहले मैं आपको इस पोलो की शो कर देता हूँ। ये रही इस गाड़ी की चाबी, कभी साइलेंसी रिमोट की मिलेगी, पीछे आपको वॉक्सवैगन का लोगो मिल जाता है और यहाँ पर आपको इस गाड़ी में फ्लिप की का भी ऑप्शन मिलता है क्योंकि यहाँ पर आपको स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलेगा इस कार में। अगर आप इसका GT वेरिएंट भी लेते तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ प्रोवाइड नहीं होती है। बाकी यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक करने का बटन मिलता है और एक सेपरेटली बूट ओपन करने का बटन प्रोवाइड होगा। तो कार को करते हैं एक बार अनलॉक। अगर मैं गाड़ी के ओवरऑल यहाँ पे लुक्स की बात करता हूँ तो जब से गाड़ी आ रही है तब से यहाँ पे कोई मेजर चेंज आपको नहीं मिलेगा, छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंज आपको मिल जाते हैं। इस गाड़ी में आपको एक लाइफ टाइम लुक मिलता है, पर तब भी ये गाड़ी पूरी अप टू डेट रहती है मार्केट में, लोगों को अभी भी लुक काफ़ी अच्छा लगता है इस कार का। गाड़ी का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, हैंडलिंग गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, जो बॉडी डिज़ाइन है गाड़ी का वो आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा। गाड़ी काफ़ी स्टेबल रहती है हाई स्पीड में। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम गाड़ी के फ्रंट लुक की बात करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेडलैम्प्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको हैमर प्रूफ हेडलैम्प मिलते हैं, अगर मींस इनमें अगर आप हैमर भी मारेंगे तो ये भी चीज़ ब्रेक नहीं होती है। तो इससे पता चलता है गाड़ी की जो क्वालिटी है वो कितनी बेहतरीन आपको यहाँ पे मिलेगी। लेकिन जो इसके हेडलैम्प अभी भी आपको हेलोजन में ही मिलते हैं, कोई भी LED सेटअप या प्रोजेक्टर सेटअप यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होता है। अगर मैं इसकी कुछ कंपीटिंग कार की बात करूँ तो वहाँ पे आपको एटलीस्ट प्रोजेक्टर सेटअप प्रोवाइड होता है हेलोजन में ही। तो मेरे हिसाब से अगर हेडलैम्प में कुछ LED या LED DRLs ही मिल जाते तो काफ़ी अच्छा रहता। बाकी यहाँ पे आपको फॉग लैम्प मिलेंगे विद कॉर्निंग फंक्शन के साथ, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर आपको टोइंग हुक मिलेगा और इसकी जो GTI आती है जो स्पोर्ट्स वेरिएंट है उससे इंस्पायर यहाँ पे आपको इसकी ग्रिल मिलेगी, हनी क्रोम ग्रिल मिलती है यहाँ पे आपको। बीच में आपको वॉक्सवैगन का बड़ा सा लोगो मिलता है और थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगी। बाकी फ्रंट में आपको कोई सेंसर्स नहीं मिलते, लेकिन जो बम्पर है फ्रंट का वो आपको थोड़ा एक स्पोर्टी टाइप में मिलेगा, तो फ्रंट का लुक काफ़ी इन्हेंस होता है, एग्रेसिव यहाँ पे आपको लुक मिलेगा, स्पोर्टी एग्रेसिव लुक मिलता है। बाकी हुड में बात करें तो हुड में भी साइड में आपको शार्प मार्जिन्स मिल जाती है जिससे गाड़ी का जो एरोडायनेमिक है वो काफ़ी इंप्रूव रहता है, गाड़ी हाई स्पीड में बहुत स्टेबल रहती है। और ऊपर की तरफ को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं मिलता, इन वाइपर्स को आपको मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ेगा। और इसमें आपको कोई ग्रीन टिंट नहीं मिलती, बट मीन जो UV कट ग्लासेस आते हैं वो इसमें आपको नहीं मिलेंगे, वो आप जो अगर हाईलाइन वेरिएंट देंगे तो उसमें आपको वो चीज़ प्रोवाइड होगी। तो कार का जो फ्रंट लुक है वो आपको कुछ इस टाइप में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट अवे इस पोलो के इंजन के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं इस पोलो के इंजन के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिलता है 1000 cc का 3 सिलेंडर BS6 पेट्रोल इंजन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं 1.0 MPI पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 75 BHP 6200 RPM पे और 95 Nm ऑफ टॉर्क 2950 RPM पे। और यहाँ पे आपको मिलेगा 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स। अगर आप TSI वेरिएंट लेंगे तो वहाँ पर आपको 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। और ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है। कंपनी इस कार पे 18 का माइलेज क्लेम करती है, बाकी आपकी ड्राइविंग स्टाइल पर डिपेंड करता है कितना एवरेज आप इस कार से सिटी वाइज और हाई वाइज जनरेट करते हैं। पर BS6 में आने के बाद इसमें आपको काफ़ी अच्छा माइलेज अब देखने को मिलता है, सिटी वाइज आप काफ़ी इजीली इस कार से 14 तक का माइलेज निकाल लेंगे सिटी के अंदर। बाकी देखें तो ये इसकी इंजन की प्लेसमेंट है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन यहाँ पे आपको इंजन मिलेगा। बाकी अगर आपको इंजन ऑयल फिल करना है तो उसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिलती है और इंजन ऑयल चेक करने के लिए उसका लीवर आपको यहाँ पर मिलेगा। बाकी इसकी कूलेंट की प्लेसमेंट हो गई, वॉशर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिलेगी और पीछे यहाँ पे छोटा सा आपको इसका ब्रेक ऑयल मिलेगा।
बाकी वहाँ पर आपको पूरी ब्लैक कलर की फिनिश में आपको गाड़ी की बैटरी मिलती है ब्लैक कलर की बैटरी कैप के साथ, और उसका जो फ्यूज़ बॉक्स है वो आपको यहाँ पीछे की तरफ को मिलेगा। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पीछे आपको कोई इंसुलेशन नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर डैम्पिंग पीछे की तरफ थोड़ी सी यहाँ पर देखने को मिल जाती है अगर आप गौर से देख पा रहे हैं। हुड में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कोई इंसुलेशन पैड नहीं मिलता, लेकिन इंजन काफ़ी रिफाइंड है, BS6 में आने के काफ़ी रिफाइंड इंजन हो चुका है, एक रिस्पॉन्सिव इंजन हो चुका है, माइलेज भी अच्छा दे रहा है आपको, और इसका जो पावर डिलीवरी वो भी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। बाकी बिल्डअप क्वालिटी आपको पता है कितनी इंप्रूव है, और उतनी कोई वाइब्रेशन इस गाड़ी में फील आपको नहीं होती, कैबिन काफ़ी साइलेंट है, तो काफ़ी अच्छी डील यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो कार का जो इंजन स्पेक है और जो फ्रंट पोर्शन है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में। दोस्तों बात करते हैं इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल के बारे में। सबसे पहले हम डायमेंशंस की बात करेंगे, तो 3.9 मीटर गाड़ी की लेंथ है, 1.6 मीटर गाड़ी की विड्थ है, और 1.4 मीटर गाड़ी की हाइट है, और यहाँ पर आपको मिलता है 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि इस गाड़ी के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट है। कर्व वेट की बात करूँ तो 1030 kg गाड़ी का कर्व वेट है, और इस गाड़ी में मिलती है आपको 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वो आपको ड्राइवर साइड की तरफ को मिलता है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको मैक पियर्सन स्ट्रट विथ स्टेबलाइजर बार मिलेंगे, और पीछे आपको सेमी इंडिपेंडेंट ट्रेल आर्म सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे और पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। अब BS6 में आने का यहाँ पे आपको एक फायदा ये मिलता है कि जिसके सस्पेंशन है वो स्टिफर उतने नहीं है, आप थोड़े सॉफ्टर साइड को हैं, तो यहाँ पर आपको बेटर कम्फर्ट मिलेगा, और जब आप ऊँचे बाउंस में आते फिर गड्ढों में गाड़ी ले आते तो वहाँ पर आपको उतने झटके फील नहीं होते हैं। और 4.9 मीटर गाड़ी का टर्निंग रेडियस है। अगर टायर प्रोफाइलिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको 15 इंच के रेजर कट शार्प एलॉय व्हील्स मिलते हैं। अगर आप TSI वेरिएंट लेंगे या फिर GT वेरिएंट लेंगे तो वहाँ पर आपको 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। बाकी लुक वाइज गाड़ी में कोई डिफरेंस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बस GT में आपको GT की बैजिंग मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको गुडियर के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, टायर देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। फ्रंट में जैसे मैं बता रहा था आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, और इनकी जो प्रोफाइलिंग है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, 185/60 R15 की यहाँ पे आपको प्रोफाइलिंग मिलती है। बाकी ओवरविंग की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, लेकिन फोल्डेबल आपको नहीं मिलेंगे, इनको आपको मैन्युअली फोल्ड करना पड़ेगा, लेकिन जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको LED में इसी में मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी पूरा यहाँ ऊपर की तरफ आपको बॉडी कलर फिनिशिंग मिलती है, नीचे यहाँ पे आपको मैट कलर की फिनिशिंग प्रोवाइड होगी। अगर आप गौर करेंगे जो इसका बी पिलर है वहाँ पे आपको ब्लैक कलर की मैट फिनिशिंग मिलती है, ग्लॉसी फिनिशिंग या बॉडी कलर चीज नहीं मिलेगी, और इसमें आपको कोई भी ग्रीन टिंट नहीं मिलता, वो सिर्फ आपको हाईलाइन जो वेरिएंट है उसी में प्रोवाइड होगा। बाकी यहाँ पर आपको बॉडी कलर डोर हैंडल मिलते हैं, और रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं होता है, मीन्स यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग तो मिलती है लेकिन कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा, कीलेस एंट्री नहीं मिलेगी इस कार में। बाकी आप गौर करेंगे जो गाड़ी की साइड प्रोफाइल है यहाँ पे आपको काफ़ी सारे शार्प मार्जिन मिल जाते हैं, जिससे अगर आप गाड़ी को हाई स्पीड में भी टर्न करते हैं तो गाड़ी काफ़ी स्टेबल रहती है, काफ़ी अच्छे कट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इस कार में। रूफ बिल्कुल प्लेन है, कोई आपको सनरूफ ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी, और यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना इस गाड़ी में प्रोवाइड नहीं होता है, नॉर्मल जो रूफ एंटीना है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता है, पर आप चाहो तो आफ्टर मार्केट जाके इस चीज़ें लगवा सकते हैं। तो कार की जो साइड प्रोफाइल है वो आपको कुछ इस टाइप में देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं इस कार के बैक पोर्शन के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं इस गाड़ी के बैक पोर्शन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टेल लैंप की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको अब LED टेल लैंप मिलेंगे, बाकी इसकी जो इंडिकेटर लाइट है और बैक लाइट है वो आपको खाली हैलोजन में मिलती है, तो प्रॉपर LED सेटअप यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं होगा। बाकी जो पोलो की बैजिंग है वो आपको यहाँ मिलेगी, अगर आप इसका TSI वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पर आपको TSI की बैजिंग मिलेगी, बाकी कोई एक्स्ट्रा बैजिंग यहाँ पे आपको नहीं मिलती, क्योंकि ये प्रीमियम हैचबैक है तो वो चीज़ यहाँ पे आपको फील होनी चाहिए। बाकी ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको डिफॉगर मिलेगा, रेयर वाइपर मिलता है, और हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कोई स्पॉइलर नहीं मिलता, पर आप चाहो तो उस चीज़ को आफ्टर मार्केट जाके फिर एक्सेसरीज में जाके उस चीज़ को लगवा सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक वहाँ पे आपको उस चीज़ से मिल जाता है। बम्पर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको चार पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, लेकिन अभी भी कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा इस गाड़ी में आपको प्रोवाइड नहीं होता, वो चीज़ आपको आफ्टर मार्केट जाके ही लगवानी पड़ेगी। बाकी बम्पर के दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, और इसका जो एग्जॉस्ट टेल पाइप है वो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ को देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको पीछे एक डिफ्यूज़र मिलता है, इससे कोई मतलब कोई यूज़ का नहीं, लेकिन इससे जो पीछे का लुक है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाता है, एक हल्का सा एक स्पोर्टी लुक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी पीछे की तरफ से गाड़ी का लुक है वो आपको कुछ इस टाइप में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी की बूट स्पेस के बारे में, तो उसकी बूट को करते हैं ओपन। क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है यहाँ पे आपको, जो बूट ओपन करने का तरीका है, जब बूट को डोर है उसको ओपन करते हैं तो काफ़ी हैवी फील होता है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी फीलिंग मिलती है। बाकी बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगी 298 लीटर की बूट स्पेस, मतलब ऑलमोस्ट 300 लीटर की बूट स्पेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाती है, तो यहाँ पे बड़ा लगेज काफ़ी ईजिली कैरी कर सकते हैं, और आपको और स्पेसिंग चीज़ उसकी जो सेकेंड रो है आप उसको फोल्ड कर लेंगे, लेकिन उसमें आपको कोई 60-40 का स्प्लिट सीट ऑप्शन नहीं मिलता, तो मेरे ख्याल से अगर वो चीज़ यहाँ पर मिल जाती तो बहुत बेहतरीन हो जाता। बाकी जो टूल किट है, फर्स्ट एड है, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड होती है। और स्पेयर व्हील की यहाँ पे हम बात करें
तो वो आपको एलॉय में नहीं मिलेगा, वो आपको स्टील रिम प्रोवाइड होता है। बाकी जो जैक रखने का तरीका है उसके लिए किट भी आपको उसी के ऊपर मिल जाएगी, और ये साइज आपको एक प्रोफाइलिंग छोटी मिलेगी, वो आपको 14 इंच का मिलेगा स्टील रिम में। बाकी पीछे देखेंगे तो कोई भी लाइट यहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं होती, लेकिन दोनों तरफ यहाँ पर आपको हुक्स मिल जाएंगे इसमें। तो कार का जो ओवरऑल एक्सटीरियर है, इंजन स्पेक है, वो सब चीज़ हमने आपको अच्छे से बता दी है। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, देखते हैं कौन कौन से फीचर आपको इस मॉडल में प्रोवाइड होते हैं। तो दोस्तों हम गाड़ी के इंटीरियर में आ चुके हैं, तो दिखाऊं आपको ड्राइवर साइड से डैशबोर्ड है, कुछ इस टाइप में आपको देखने को मिलेगा। इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात यह कि अगर आप इसका बेस वेरिएंट भी लेते तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। जैसे डैशबोर्ड देखेंगे तो पूरा ब्लैक कलर की फिनिशिंग मिलेगा। अगर आप इसका ट्रेडलाइन वेरिएंट भी लेंगे तो वहाँ जो स्टेयरिंग है वो आप टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी ये चीज ऑफर नहीं करती है। बाकी सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा, और बेस वेरिएंट से यहाँ पर आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। बाकी बिल्डअप क्वालिटी गाड़ी की काफी अच्छी है। यहाँ पर सबसे पहले हम इस मॉडल की स्टेयरिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील, और इसमें आपको कोई लेदर की स्टिचिंग्स प्रोवाइड नहीं होती है। अगर आप इसका TSI वेरिएंट लेंगे तो वहाँ पर आपको लेदर की स्टिचिंग मिलेंगी, और उसमें आपको माउंटेड कंट्रोल्स भी मिलते हैं, इसमें आपको नहीं मिलेंगे। बीच में आपको वॉक्सवैगन का लोगो मिलेगा, कोई भी ग्लॉसी ब्लैक कलर की फिनिशिंग नहीं मिलेगी, बिल्कुल बेसिक सा स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, लेकिन फ्लैट बॉटम मिलता है। और यहाँ पर आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरह से आप स्टेयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो अपनी रीच के हिसाब से इस चीज़ को आप एडजस्ट कर लेंगे, बहुत बढ़िया फंक्शन है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो इस तरफ को आपको लाइट के और इंडिकेटर के कंट्रोल मिलते हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे वाइपर से कंट्रोल। तो ये थोड़ा सा उल्टा, अगर आप कोई होंडा की गाड़ी लेंगे, मारुति की गाड़ी लेंगे, तो ये चीज़ आपको दूसरी तरफ को मिलती है। बाकी लाइट्स को ऑन ऑफ करने का बटन जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, जैसे आपको हर जर्मन की गाड़ी में मिलता है। इस तरह से जो लाइट्स हैं वो ऑन हो जाएंगी। बाकी जो लाइट की बीम है उसको एडजस्ट करने का बटन आपको यहाँ पर मिलता है। ये एसी वेंट्स हो गए, नॉर्मल सा डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर आपको हैजार्ड लाइट का बटन मिलता है, और ये आपको डिफॉगर का बटन है फ्रंट के, और यहाँ पर आपको सिंपल सा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, कोई टच स्क्रीन वाला नहीं मिलता जैसे आपको TSI मिलेगा। और इसके साइड में आपको इजी टू यूज़ बटन मिल जाते हैं, तो अगर ताकि आप इसे यहाँ से ईजिली ऑपरेट कर सकें। बाकी इसको ऑन ऑफ करने का बटन है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको USB का पोर्ट मिलता है, ऑक्स का पोर्ट मिलेगा, और SD कार्ड का ही पोर्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड होता है। बाकी यहाँ से CD भी डाल सकते हैं, तो बहुत सारे फंक्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। और नीचे देखें यहाँ पे आपको कोई ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा, इन ACs को आपको मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ता है। और AC ऑन ऑफ करने का बटन आपको यहाँ पर मिलता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर मिलेगा, और अंदर यहाँ पे स्पेसिंग है, तो चार्ज करते समय अपना फ़ोन आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो कोई गिरने का डर भी नहीं है। और 2 यहाँ पे आपको कप होल्डर्स भी मिलेंगे। बाकी यहाँ पर देखें तो ये महज गाड़ी का 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स, टॉप एंड में आपको 6 स्पीड का मिलेगा। डिज़ाइन पूरा वैसा ही है, पूरा आपको लेदर रैप मिलेगा, और जो पोजीशन है वो भी काफ़ी परफेक्ट है, और गियर भी काफ़ी इजीली यहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। और रिवर्स लगाना है तो आपको गियर नॉब को नीचे की तरफ को दबा के इस तरह से आपको रिवर्स लगाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग है, इसका हैंड ब्रेक हो गया, कोई क्रोम फिनिशिंग नहीं है, पूरी ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग ये मिलेगी यहाँ पर आपको, और कोई यहाँ पर आपको सेंट्रल आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, वो आपको इसके जो ऊपर वेरिएंट है उसमें मिलेगा। बाकी जो यहाँ पे जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो बहुत अमेजिंग मिलती है आपको, कोई भी स्क्रैची वाला नहीं है, पूरी ब्लैक फिनिशिंग मिलेगा, पूरा हार्ड प्लास्टिक यूज़ हो रखा है। पर मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर दरवाजों में थोड़ा सा सॉफ्ट टच मिल जाता तो काफ़ी इंप्रूव हो जाती है ये चीज़। बाकी पावर विंडो खाली आपको फ्रंट पोर्शन मिलेंगी, यहाँ से आप पीछे की तरफ के पावर विंडो को ऑपरेट नहीं कर सकते, पीछे भी आपको पावर विंडो मिलती है पर यहाँ से आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। और ड्राइवर साइड आपको खाली 1 टच डाउन मिलेगा, इस तरह से 1 टच अप नहीं मिलता यहाँ पर। बाकी डोर को लॉक अनलॉक करने का बटन आपको यहाँ पे मिलता है, और OVM को एडजस्ट करने का बटन आपको यहाँ पर मिलेगा, उसे फोल्ड अप मैनुअल ही करेंगे। बाकी नीचे आपको वाटर बॉटल होल्डर मिल जाता है, और थोड़ी सी स्पेसिंग मिलेगी तो अपने डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। अब आप क्लियरली देख सकते हैं थोड़ी सी स्पेसिंग मिलेगी, और वाटर बॉटल होल्डर भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड होगा। बाकी यहाँ पर नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिलती है। इस गाड़ी में आपको कोई भी ट्विटर का ऑप्शन नहीं मिलता, तो अगर आपको जानना है इस गाड़ी की ऑडियो क्वालिटी कैसी है तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और स्क्रीन में भी आ रहा होगा। बाकी यहाँ नीचे देखेंगे इसमें आपको मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा, तो 3 पैडल आपको यहाँ पे मिलते हैं, और एक फुट रेस्ट भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड होगा। अगर आपको इंजन का बे खोलना है तो उसका लीवर आपको यहाँ पर मिलता है, और फ्यूल टैंक का ओपन करने का लीवर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो फ्यूल टैंक का लीवर है वो खाली 1 टच ओपन है, मतलब अगर उस पर आप क्लिक करेंगे ऐसे तो अपने आप ओपन आएगा। तो ये बेहतरीन फीचर आपको इस गाड़ी में मिलेगा। बाकी ऊपर देखें यहाँ पे तो कोई मिरर नहीं मिलता है, लेकिन कोर ड्राइवर साइड की तरफ को आपको एक मिरर मिल जाएगा, और साइज भी उसका बिल्कुल सही है, कोई लाइट का ऑप्शन नहीं है। और लाइट जो है वो आपको फ्रंट में मिलेगी, हेलोजन में सिर्फ एक ही मिलती है, पीछे यहाँ पे कोई भी लाइट का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, ये भी आपको हेलोजन मिलेगी। और इसका जो स्प्रे है वो काफ़ी अच्छा है।
बाकी यहाँ पे आपको कोई ऑटो डिमिंग वाला नहीं मिलता, नॉर्मल सा मिलेगा, इसको आप इस तरह से एडजस्ट करेंगे। और यहाँ पे एक फीचर और है, जब आप इसका डोर खोलते हैं तो नीचे है वो लाइट्स ओपन होंगे हेलोजन में, ताकि नीचे भी आप देख सकें। बाकी आप आफ्टर मार्केट जाके उनको भी LED टाइप में भी कोई और कलर की लगवा सकते हैं, ताकि अच्छा लुक मिल पाए आपको। बाकी इसका जो ग्रैब हैंडल है वो आपको पूरा प्रॉपर सॉफ्ट वाला नहीं मिलता, लेकिन तब भी परफेक्ट है, कोई इतना इसको यूज उतना नहीं करता, फिर भी ये होनी चाहिए गाड़ी में। सीटिंग कंफर्ट की यहाँ पे हम बात करते हैं, सीटिंग कंफर्ट एक्चुअली इसका काफी अच्छा है, लेकिन अगर आप इसका TSI वेरिएंट लेंगे तो वहाँ पे जो सीट्स हैं वो आपको और अच्छी मिलती है, प्रॉपर बकेट टाइप मिलेंगी, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको सीट से मिल जाएगा अगर आप नीचे के वेरिएंट लेते हैं, फिर ऊपर जो टॉप वेरिएंट है TSI वेरिएंट उनको लेंगे, पर फिर भी ये गाड़ी काफी अच्छी है, सीटिंग कंफर्ट काफी अच्छा है। और यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे फ्रंट में भी और बैक में भी, तो सीटिंग कंफर्ट यहाँ पे काफी अच्छा मिल जाएगा आपका, हेडरूम स्पेस यहाँ पे आपको काफी अच्छी मिलती है। तो ये दिन फ्रंट में बैठ के तुझे कैसा लग रहा है? मुझे फ्रंट में बैठे काफी अच्छा लग रहा है, और अगर मैं अपनी सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे अच्छा खासा सीटिंग कंफर्ट मिल रहा है, और जो इसमें सीट का कुशन इस्तेमाल करा गया है वो काफी अच्छा करा गया है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम गाड़ी के बेस वेट में है तो हमें यहाँ पे चीजें नहीं प्रोवाइड कराई गई हैं, सारी चीजें हमें अच्छे से दी गई हैं। लेगरूम स्पेस की बात करूँ काफी अच्छा लेगरूम स्पेस हमें मिल जा रही है, और साइड में भी हमको देखने को मिल जा रही है। बाकी यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट होने की वजह से कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है जिनकी हाइट ज्यादा है, तो ओवरऑल फ्रंट में बैठ के तो सीटिंग कंफर्ट काफी अच्छा है। बाकी हम पीछे बैठे देखेंगे कि सीटिंग कंफर्ट हमें कैसा मिलता है। तो फ्रंट में सीटिंग कंफर्ट काफी अच्छा मिलेगा। सेफ्टी फीचर्स की बात करता हूँ तो इसमें आपको 2 एयरबैग्स मिलेंगे, ड्राइवर और को ड्राइवर स्टैंडर्ड से मिलते हैं, बाकी इसमें आपको ABS और EBD मिलेगा। सेफ्टी फीचर थोड़े से कम है, मेरे ख्याल से इसमें अगर ब्रेक असिस्ट भी मिल जाता तो काफी अच्छा रहता है। अगर मैं मारुति की गाड़ी की बात करूँ तो उनमें ब्रेक असिस्ट भी मिल जाता है अगर आप नीचे की वेरिएंट भी लेते हैं, तो अगर एक फीचर और इसमें एड ऑन हो जाता। बाकी बिल्डअप क्वालिटी तो गाड़ी की काफी अच्छी है, काफी अच्छी स्टेबिलिटी यहाँ पे मिलेगी, हैंडलिंग गाड़ी की काफी अच्छी है, जो व्यू पॉइंट है वो भी आपको पूरा अच्छा मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस बना रहता है यहाँ पे उस गाड़ी को चलाते समय, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक दो सेफ्टी फीचर और ऐड हो जाते हैं यहाँ पे तो काफी अच्छा रहता। यहाँ पे स्पीडोमीटर की बात करते हैं तो एक बार लाइट्स ऑन करता हूं मैं, तो कुछ इस तरह से स्पीडोमीटर दिखेगा, कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आ रहा, तो अभी भी वैसा ही दिखता है, थोड़े बहुत चेंज है। बाकी इधर इसका टैकोमीटर हो गया, यहाँ पे स्पीडोमीटर मिलेगा, 240 गाड़ी की टॉप स्पीड है, लेकिन लोग कहते हैं गाड़ी 210-220 तक भाग जाती है। बाकी जो इसकी वॉइन लाइट्स हैं वो आप कुछ इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएंगी, और बीच में यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर मिलता है जो सारी इंफॉर्मेशन आपको शो करेगा कि ऑयल टेम्परेचर है, गाड़ी में कितना फ्यूल है, गाड़ी कितना एवरेज एरी टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं से मिल जाते हैं। अगर आपको इसको सेट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बटन, अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो इस तरह आप इसको सेट कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से जो फ्रंट पोर्शन है वो आपको शो होगा। अब चलते हैं इस गाड़ी की बैक सीट में, देखते हैं कौन कौन से फीचर और कितनी स्पेसिंग वहां पे आपको इस गाड़ी में प्रोवाइड होती है। तो दोस्तों हम पीछे की सीट में आ चुके हैं, तो यहाँ पे अगर मैं लेगरूम स्पेस की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको डिसेंट अमाउंट में लेगरूम स्पेस मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है कि इसकी जो सीट्स हैं आप देख पा रहे होंगे तो सीट थोड़ी सी कर्व टाइप में, तो यहाँ पे अगर आप सीट बंदा पीछे भी करता थोड़ा ड्राइवर या को ड्राइवर तो यहाँ पे आपको तब भी थोड़ा सा लेगरूम स्पेस मिल जाता है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि पूरा कंफर्टेबल हो के बिल्कुल ऐसे हो के बैठने पीछे टिल्ट हो गए तो आपके पैर बहुत यहाँ पे टच हो जाते हैं, तो उतना बेहतर कंफर्ट तो नहीं मिलेगा। तो जिनके पैर बहुत ज्यादा लंबे हैं, फिर जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो पीछे की सीट में उन्हें काफी दिक्कत आ सकती है, लेकिन जिनकी हाइट थोड़ी छोटी है उन्हें यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई AC वेंट नहीं मिलता, नहीं 12 वोल्ट का कोई ऐसे चार्जिंग सॉकेट मिलेगा। अगर आप इसका हाईलाइन वेरिएंट लेंगे तो वहां पे आपको दोनों चीज मिल जाती है। और यहाँ डोर की तरफ को देखें हम तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक पावर विंडो का बटन मिलता है, हैंडल मिल जाएगा, और नीचे कोई भी वाटर बॉटल होल्डर नहीं मिलता है। अगर आप क्लियरली अभी नहीं देख पा रहे तो मैं आपको दिखाऊं, कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको दिखेगा, कोई भी वाटर बॉटल होल्डर नहीं मिलता, सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट कैरी करने के लिए स्पेसिंग मिल जाएगी, ये पावर विंडो का बटन हो गया, और ग्रैब हैंडल हो गया यहाँ पे, और स्पीकर की प्लेसमेंट आपको यहाँ नीचे मिलेगी, बाकी कोई भी सॉफ्ट ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती है। और यहाँ देखेंगे तो आपको हुक मिल जाता है, और यहाँ पर भी आपको हुक मिलेगा, ये ग्रैब हैंडल हो गया, और यही दोनों चीज़ आपको जो वाला डोर है उसमें भी प्रोवाइड होती है। बाकी पीछे की तरफ को दिखाऊं तो दोनों तरफ आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, लेकिन कोई भी 60-40 स्पेस सीट नहीं मिलेगा, नहीं कोई बीच में आर्मरेस्ट मिलेगा। बाकी पीछे की तरफ से जो फ्रंट का व्यू है वो आपको कुछ इस टाइप में देखने को मिलता है, और जो बैक व्यू है वो आपको कुछ इस टाइप में देखने को मिलेगा। तो पार्किंग करते समय आपको थोड़ी बहुत अच्छी विजिबिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। तो विहान पीछे बैठ के तुझे कैसा लग रहा है? मुझे पीछे बैठ के थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ऐसी नहीं है कि जो सीट है वो मेरे पैर से बिल्कुल चिपक रखी है। यहाँ पे एक कर्व मिलने की वजह से मेरी सीट के और मेरे पैर के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस है। और कुशनिंग की बात करूँ तो काफी ज्यादा अच्छी कुशनिंग यहाँ पे सोफे में देखने को मिल रही है, और हेडरूम की बात करूँ तो वो भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टूर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखा जाए तो अगर आप गाड़ी को लॉन्ग टूर के लिए आते तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे फेस नहीं होती है। अगर फैमिली में 4-5 लोग हैं तो ये गाड़ी आपके लिए काफी परफेक्ट साबित है, बस दिक्कत जिनकी हाइट ज्यादा है उन्हें होगी, बाकी सिटी ड्राइविंग के हिसाब से भी गाड़ी काफी अच्छी है।
तो दोस्तों हमने आपको इस कार का इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, इंजन स्पेक्स सब चीज आपको अच्छे से बता दी है। बाकी मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहूंगा कि बहुत जल्द अब आपको जो ये कंफर्ट लाइन है इसमें भी आपको TSI इंजन मिलेगा, जिससे आपको हाईलाइनर GT वेरिएंट में 110 BHP 175 का टॉर्क मिलता है। सेम वही इंजन आपको अब कंफर्ट लाइन में मिलेगा, इसमें आपको कोई MPI इंजन नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपको जिसका ट्रेड लाइन बिल्कुल बेस मॉडल है उसी में मिलने वाला है। और ये चीज बहुत जल्दी, मतलब आपको मार्च अप्रैल तक ये चीज देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप गाड़ी बुक कराना चाहते हो थोड़ा सा वेट करें तो आपको एक अच्छे प्राइस में एक TSI इंजन भी अवेलेबल हो जाएगा। बाकी इस मॉडल के हम प्राइसिंग की बात करते हैं, तो यतीन भाई इस गाड़ी का क्या प्राइस है? इस वाले मॉडल का आपको ऑन रोड प्राइस पड़ेगा अप्रॉक्स 8,20,000 रुपीज का। ये जो आपका प्राइस बता रहे हैं ये हल्द्वानी उत्तराखंड का प्राइस है विदाउट को एसेसरीज इंक्लूड करो हुए। अगर आपको जानना है पे लेटेस्ट ऑफर्स क्या चल रहे हैं तो आप दिए हुए नंबर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्ट तभी करें आप हल्द्वानी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। अदरवाइज हमें कॉन्टेक्ट ना करें, अपने नियर बाय शोरूम में आइए, आप ये प्राइस चेक करा सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी कार को फीचर कराना चाहते हैं, फिर अपना ओनरशिप रिव्यू हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं, हम ये कार का रिव्यू जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाएं। हम बहुत ज्यादा क्लोज है 100K सब्सक्राइबर्स के, तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।